हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको चिल्ड्रन एजुकेशन 2M की एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे चार अंक का जोड़। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। चार अंक का जोड़, दोस्तों हम बनाएंगे जोड़। चलिए हम पहले वाले जोड़ को बनाते हैं, जिसमें हमें 5324 में 3524 को जोड़ना है और दूसरे वाले में हमें 1342 में 5231 को जोड़ना है। तो चलिए हम पहले 5324 में 3524 को जोड़ते हैं। तो दोस्तों जोड़ना बहुत ही आसान है, हमें क्या करना है, इन सामने वाले अंकों को जोड़कर इसके सामने लिखना है। वैसे ही यहाँ पर चार और चार को जोड़ेंगे और जो आंसर आएगा हम उसके सामने लिखेंगे। तो दोस्तों आपको भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला अंक है हमारा चार और निचला अंक है हमारा चार। तो ऊपर वाले अंक के लिए हम चार लाइन पारेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर नीचे वाला अंक भी चार है, तो हम इन्हीं चार लाइनों में और चार लाइन पार लेंगे, 1 2 3 4। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इन सारे लाइनों को गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों चार और चार को जोड़ने पर क्या आया, 8। तो आपको यहाँ पर चार और चार के नीचे 8 को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 2 और 2 को जोड़ना। तो सबसे ऊपर में है 2, तो हम 2 के लिए 2 लाइन पाड़ेंगे, 1 2। और इसके नीचे भी है 2, तो हम 2 ही लाइन में और 2 लाइन ऐड कर लेंगे, 1 2। अब दोस्तों हमें इन सारे लाइनों को गिनना है, तो चलिए हम इन सारे लाइनों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4। तो दोस्तों 2 और 2 को जोड़ने पर क्या आया, 4। तो हम यहाँ पर 4 को लिख देंगे। अब दोस्तों इसके बाद है 3 और 5 को जोड़ना। तो 3 के लिए हम वैसे ही 3 लाइन पाड़ेंगे, 1 2 3। अब दोस्तों यहाँ पर 3 के नीचे है 5, तो हम क्या करेंगे, 5 लाइन पाड़ेंगे 3 लाइनों में ही, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों हमें क्या करना है, आप जानते ही होंगे, इन सारे लाइनों को अब हमें गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों 3 और 5 को जोड़ने पर क्या आया, 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 और 3 को जोड़ना है, तो उसी तरीके से हम 5 के लिए 5 लाइन पाड़ेंगे, 1 2 3 4 5। और नीचे में क्या है, 3 यानी कि 3। तो चलिए हम इसके लिए 3 लाइन पाड़ लेते हैं, 1 2 3। और दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर इन सारे लाइनों को गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों यहाँ पर 5 और 3 को जोड़ने पर क्या आया, 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को लिख देंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब हम इस वाले जोड़ को भी बनाते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पर है 2 और नीचे में है 1, तो हम 2 के लिए कितने लाइन पाड़ेंगे, 2 लाइन। चलिए हम लाइनों को पाड़ लेते हैं, 1 2। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे में है 1, तो हम 1 के लिए कितने लाइन पाड़ेंगे, 1 लाइन। चलिए हम लाइनों को पाड़ लेते हैं, 1। अब दोस्तों हमें इन सारे लाइनों को गिनना है, चलिए हम लाइनों को गिन लेते हैं, 1 2 3। तो दोस्तों 2 और 1 को जोड़ने पर क्या आया, 3। तो हम यहाँ पर 2 और 1 के नीचे 3 को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर है 4 और 3, तो दोस्तों हमें 4 और 3 को जोड़ना है। तो 4 के लिए हम 4 लाइन पाड़ेंगे, 1 2 3 4। और दोस्तों यहाँ पर है नीचे में 3, तो हम 3 के लिए 3 लाइन पाड़ेंगे, 1 2 3। अब दोस्तों हमें इन सारे लाइनों को गिन लेना है, तो चलिए हम इन सारे लाइनों को गिन लेते हैं, 1
दो तीन चार पाँच छः सात। तो दोस्तों चार और तीन को जोड़ने पर क्या आया? सात। तो हम यहाँ पर चार और तीन के नीचे सात को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर है तीन और दो, तो ऊपर वाले संख्या है तीन, तो हम तीन के लिए तीन लाइन पाड़ेंगे, एक दो तीन। और दोस्तों यहाँ पर नीचे में है दो, तो हम यहाँ पर दो लाइन पाड़ेंगे, एक दो। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन सारी लाइनों को गिन लेंगे। तो मेरे साथ गिनिए, एक दो तीन चार पाँच। तो दोस्तों तीन और दो को जोड़ने पर क्या आया? पाँच। तो हम यहाँ पर तीन और दो के नीचे पाँच को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर है एक और पाँच, तो हम एक के लिए एक लाइन पाड़ेंगे, एक। और यहाँ पर है पाँच, तो हम पाँच के लिए पाँच लाइन पाड़ेंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब दोस्तों हमें इन सारे लाइनों को गिन लेना है, तो मेरे साथ गिनिए, एक दो तीन चार पाँच छः। तो दोस्तों यहाँ पर एक और पाँच को जोड़ने पर क्या आया? छः। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और पाँच के नीचे छः को लिख देंगे। और दोस्तों ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों मुझे लगता है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।